हे एवरीवन, वेलकम टू द डे सेकंड ऑफ 21 डेज स्टडी ब्लॉग चैलेंज। तो ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। तो आज का जो ब्लॉग है वो चाय से नहीं, पढ़ाई से शुरू हो रहा है। तो ये जा चुका है पासवर्ड, इसको कर देते हैं। ये शुरू हो रहा है फिजिक्स वाला। ये बोल रही है मेरे सबसे नापसंद सब्जेक्ट फिजिक्स से, जो कि इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो अभी यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस का। तो आई नो अभी हम क्लास से पीछे चल रहे हैं, जो करंट सेशन चल रहा है उससे हम कई ज़्यादा पीछे हैं, 3-4 चैप्टर का अंतर है। तो अभी हम इसीलिए अगर 1 डे 1 टॉपिक मतलब 1 लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए 1 डे 1 चैप्टर फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो एक साथ लगा लिया जाएगा, उसका भी लाइव सेशन दिखाएंगे या फिर लाइव आएंगे तो उसमें दिखा दिया जाएगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:05 हो रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तो इसके पहले जो फर्स्ट स्लॉट थी वो मैंने पढ़ा था PW से, जिसमें मैंने MR सर से कैलकुलस वाला स्टार्ट किया है बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब जो है वो पढ़ने जा रहे हैं संकल्प भारत से। तो ये सेकंड स्लॉट है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। हम ब्लॉग बनाते हैं अपनी कॉन्टिन्यूटी के लिए और अपनी जर्नी को मेमोरेबल रखने के लिए, और साइड वाइज ये मेरा पैसन भी है, इसलिए मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। खैर, इन सब के अलावा मैंने देखा है कि जो स्टडी ब्लॉग और लोग भी बनाते हैं वो अपना उम्मीद से क्रैश कोर्स की तरह चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी सफिशियंट टाइम है। 1 शॉट ना, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 1 शॉट ही रहता है, आपको डिटेलिंग उसमें नहीं समझ में आती, चाहे आप उम्मीद से करो या किसी और से, क्योंकि जिन टीचर ने उम्मीद में भी पढ़ाया है वो खुद अपनी डेली क्लासेस में बोलते हैं कि उम्मीद से पढ़ाया हुआ और डेली के पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि रोटी बनाने का टाइम हो गया है, तो लोग मुझे बुलाने आ गए हैं। चलिए चलते हैं किचन में। पढ़ने के साथ साथ में अपना ये टैलेंट भी दिखा रहे हैं। देखो मेरी रोटी गोल बनती है, अगर आंचल तुम देख रही हो तो देखो मैंने रोटी गोल बनाई है। जा रहे हैं सब लोग खाना खाने, और ये देखिए वो भाई बहन रखे हुए हैं, प्लेट निकल चुके हैं और हम खाना खाने जा रहे हैं। आज हम बोलेंगे नहीं, आज बिना बोले देखिए आप। तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कपड़े डालने। बारिश की वजह से कपड़े गीले हो गए थे, आज धूप निकली है तो जा रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे। चलिए आपको छत दिखाते हैं। ये देखिए रस्सी बांधी जा रही है, ये देखिए यहाँ पे ये कपड़े पड़े हुए हैं तो ये फेंक दिया गया है। तो ये रस्सी बांध रहे थे, रस्सी गिर पड़ी है फिर से। बहुत सारा काम करना पड़ता है, अगर संडे का दिन रहता है तो बहुत कपड़े उपड़े गंदे हो जाते हैं पूरा। तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, सामने भी बहुत अच्छे पेड़ हैं क्योंकि यहाँ पे पास में चिड़ियाघर भी है। तो चलिए कपड़े डाल लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। तो रस्सी बांधने के लिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे तो एक चेयर चाहिए, वो मंगवा रहे हैं नीचे से। चेयर दे दो, एक चेयर। तो ये हमारी चेयर आ रही है क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर डाले जा रहे हैं कपड़े बहुत आहिस्ता से, यानी धीरे धीरे। तो जब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे तो हमने सोचा था इसको उतार लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले देख ये देखो क्या हो गया है, फिर से गिर गए कपड़े। जो छत पे आए हुए हैं दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कपड़े डालने की, और ये यहाँ का मौसम है बहुत अच्छा है। और ये देखिए इधर बहुत सारी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए कपड़े फैला दिए हैं और ये कुछ तार पे भी फैला दिए हैं आहिस्ता से। तो अब चलते हैं नीचे। तो उसके बाद में बहुत सारा काम रहता है, कभी कभी कपड़े धुलने पड़ते हैं तो एक साथ ही कपड़े धुल लिए जाते हैं, इसीलिए हम लोग भी संडे को एक दिन वीक भर के कपड़े धुलते हैं एक साथ ढेर लगा करके। ओपन करते हैं क्योंकि आज जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका जो चैप्टर है ना, वो 5-6 लेक्चर है उसके अंदर, उसको पूरा ख़त्म किया जाएगा। इसके पहले मैंने लोकोमोशन वाला चैप्टर रिवाइज़ किया था क्योंकि उसके भी 1-2 लेक्चर पढ़ लिए थे। इसके बाद में मुझे एक्सक्रेटरी सिस्टम वाला चैप्टर कम्प्लीट करना था। तो फिजिक्स पढ़ने के बाद मैंने बायो का लेक्चर शुरू किया है, तो अभी इसके चैप्टर का नाम नहीं डाला है, ये एक्सक्रेशन वाला चैप्टर शुरू किया है। तो हम सोच रहे हैं कि जो मेरा बैकलॉग है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो अभी मैं सिर्फ 1st लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये देखिए पूरी जो कॉपी है खाली है। तो चलिए आज इसको पूरा लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद आ गए थे हम लोग मार्केट, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना मुझे बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ना पड़ता था
क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लखनऊ के अंदर। तो ये आए थे हम लोग कूलर लेने के लिए और कूलर लेके आ चुके हैं रूम पे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं अपना न्यू कूलर कैसा है। तो ये रहा मेरा न्यू कूलर, समर कूल का है। तो अभी हो चुकी है शाम और बन चुकी है चाय। ट्राई कर रहे हैं चाय के साथ खाने के लिए। इसके बाद में ना अभी जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है केवल बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी बैकलॉग जो है ना वो 3 से 4 चैप्टर का है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये ज़्यादा रह गया ना तो वो पूरी साल फिर पढ़ा ही रहता है और आपका जो सिलेबस है वो भी पेंडिंग में पड़ा रहता है, कभी ख़त्म नहीं हो पाता है और आप कभी भी क्लास के इक्वल नहीं चल सकते हैं। ये मिस्टेक होती रहती है अक्सर लोगों से, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरी रूममेट पढ़ रही थी और वहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो अभी मुझे याद आ गया ताला बंद करना है, तो इसलिए जा रहे हैं नीचे। चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। नहीं उनको ना ले चलो, अकेले चलो। जो तुम ना होते होता ही क्या। हाँ यार दीदी 40 होने वाला है, वही तो मैं मुझे भी नहीं समझ आ रहा यार। हम लोग 8 मिनट लेट हो गए, पता नहीं कैसे, कल तो बड़ा जोश था। कोई बात नहीं, सबको मौका देना चाहिए। ताला बंद हो गया। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं। बंद कर दो नहीं तभी ऊपर जाएंगे। गाइस वो देखिए लगे हुए 3 मीटर, हम लोग कितना बिजली बिल यूज करेंगे तो उसमें मीटर में बिल आ जाएगा। वाह अंधेरा हो गया है, रोमांटिक लाइट। ओके चलिए चलते ऊपर। तो जा रहे हैं खाना खाने, तुरई की सब्जी और रोटी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।